मेरा ये कहना है कि टाइगर का मतलब होता है कि सेल दिल आदमी जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता टाइगर है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो शिकार करते थे पहले टाइगरों का, अब कैमरे में कैद कर लेते हैं, क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह जी बूढ़े हो गए, अब गांधी बूढ़े, अब गांधी ने भी शिकार करना नहीं करा, अब वो खुद शिकार हो रहे हैं। अभी लोकसभा में शिकार हुए और कांग्रेस टीम का शिकार कर रही है, और इसलिए अब इनकी बातों का क्या जवाब दें। लेकिन हाँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने इन 3 माह में 100 दिन में जो काम किया है, कि कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने पूरा माफिया राज चलाया था, पूरे प्रदेश को तहस नहस कर दिया था, भ्रष्टाचार पूरे अखंड उठी थी सरकार, लेकिन हमने उस अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। हमने किसानों को न्याय दिया है। कमलनाथ जी सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, और इसलिए छिंदवाड़ा में प्रति एकड़ 15 से 19 क्विंटल किया उन्होंने चना खरीदने का, और पूरे प्रदेश को 15 ही किया था, हरदा में जबकि 20 से 25 क्विंटल के ऊपर चना होता है। खरगोन में सचिन यादव जी थे, उनके यहाँ भी 22-23 क्विंटल चना होता है, लेकिन 15 ही था। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कमलनाथ जी वही छिंदवाड़ा के हो, और इसलिए हमने पूरे प्रदेश के साथ किसानों के साथ न्याय किया, 13 क्विंटल से बढ़ाकर प्रति एकड़ 30 क्विंटल सरसों का किया और 20 क्विंटल चना किया, और उसके कारण किसानों को 1,000 करोड़ से भी अधिक का फायदा हुआ है, और बाकी काम भी तेज गति से चल रहा है। संबल योजना जो एक बहुत ही गरीबों के लिए महत्वपूर्ण योजना थी, जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि के लिए 5,000, अगर दुर्घटना में मृत्यु हो तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर तो 2 लाख, और बाकी बिजली के बिल उनके माफ, बाकी और अनेक सुविधाएं अनाज वगैरह वो बंद कर दी थी, उसको भी हमने चालू किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।